इस साल सोयाबीन किसानों ने काफी कुछ सहा है। पहले तो सोयाबीन बीज की किल्लत, फिर महंगे बीज खरीदकर सोयाबीन की बुआई करना, फिर सोया खली का इंपोर्ट होने से एमएसपी से भी नीचे दाम मिलना। सिर्फ इतना ही नहीं, भारी बारिश ने भी सोयाबीन किसानों को इस बार काफी ज्यादा परेशानी में डाला है। इस बार सोयाबीन उत्पादक राज्यों में इतनी बारिश हुई है कि सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर नष्ट हुई है। ऐसे में कोई भी सोयाबीन किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं था। तब फिर सोयाबीन किसानों ने ही सोयाबीन में तेजी लाने की ठानी और अपनी सोयाबीन को रोक लिया और स्टॉक करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन किसानों की ही मेहनत थी जो सोयाबीन में अब जाके कहीं कुछ तेजी बनी थी, वरना सोयाबीन किसानों को बिचौलियों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब भी बस मौके की ही तलाश में ही है कि किसानों की सोयाबीन निचले स्तर पर खरीदने का कैसा भी बस मौका मिल जाए। किसानों ने जो सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू किया था उससे कुछ तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है जिससे सोयाबीन एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ा है। चीन की तरफ से सोयाबीन की डिमांड में कमी देखने को मिली है। दूसरा, सोयाबीन वायदा में 5% का एडिशनल मार्जिन लगने से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना है। किसानों को सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि पोल्ट्री ने भी चोट पहुंचाई है। पोल्ट्री ने पहले सरकार से सोया खली के आयात की मांग की थी, उसके बाद पोल्ट्री फिर से सोया खली के आयात की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की इस डिमांड पर सोपा यानी कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध भी जताया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की इंपोर्ट बढ़ाने की मांग का असर इसकी कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की मार्च 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग है। सोपा ने इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाने की मांग का विरोध किया है। वहीं पिछले सीजन 12 लाख टन सोया DOC इंपोर्ट की अनुमति दी गई थी। पोल्ट्री का कहना है कि भाव पर काबू पाने के लिए इंपोर्ट समय सीमा बढ़ाना जरूरी है, इससे सट्टेबाजी और जमाखोरी दोनों पर लगाम लगेगा। लेकिन सोयाबीन किसान पोल्ट्री से ये पूछता है कि जब सोयाबीन किसानों के पास बीज नहीं था और उन्होंने महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई की थी, तब पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ गई थी? क्या तब पोल्ट्री इंडस्ट्री को ध्यान नहीं आया था कि सोयाबीन की किल्लत है और सोयाबीन का आयात करना चाहिए? अगर तब सोयाबीन का आयात हुआ होता तो सोयाबीन किसानों को महंगा बीज ना खरीदना पड़ता और ये हालात ना होते। ऊपर से जब सोयाबीन किसानों ने सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू किया जिससे उन्हें कुछ दाम सुधर कर मिले, तो पोल्ट्री इसको जमाखोरी बता रही है और सोया खली के आयात की अवधि बढ़ाने के लिए बोल रही है। क्या सोयाबीन किसानों द्वारा की जा रही मेहनत को जमाखोरी का नाम देना सही रहेगा? सोयाबीन किसानों का यह प्रश्न पोल्ट्री इंडस्ट्री से अभी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।